बिल्डिंग के अंदर हैं एश साइड वाले एरिया पर। जॉनथन और जीगॉर्ड को आई गेस पता है प्रॉपर कि कहां पर उनके ओपोनेंट्स आ चुके हैं। जॉनथन के हाथ में एक ग्रेनेड है, जीगॉर्ड के हाथ में बैरल है अभी के लिए। सो ये अगर बैटल ऑफ गोलायत्स यहां पर अर्ली स्टेज में हो जाती तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। नियो और क्लच गॉड सामने से मूवमेंट देते हुए और जॉनथन एक एरिया पर बैठे हुए। जॉनथन यहाँ पर काफी वल्नरेबल हो सकते हैं बिकॉज उनके बैक एंड से थोड़ा सा ओपन ही रहने वाले हैं वो, तो मुश्किलें यहाँ पर हो सकते हैं। और जॉनथन काफी ज्यादा करीब यहाँ पर फनेटिक का स्क्वाड आ चुका है। फनेटिक के प्लेयर्स बिल्कुल इनके ऊपर साथ में खड़े होकर, एक दीवार है दोनों के बीच में टीवीपी और जॉनथन की। यहां पर गोलियों की गूंज आ चुकी होगी। स्काउट ओपी ने वहां पर जीगॉर्ड को डाउन किया लेकिन यहां पर एश डाउन हो चुके हैं और यहां पर पूरे का पूरा मुश्किल आ चुका होगा। जॉनथन एनर्जी ड्रिंक पीकर फाइट लेना चाहेंगे, सामने से प्लेयर आए थे और इसको भी डाउन किया क्या प्यारे तरीके से, बट जॉनी डाउन हो जाएंगे। बट पीछे से क्लच गॉड आते हुए एंड फनेटिक का एलिमिनेशन बाय टीएसएम, जो उन्होंने टेम्पो पकड़ लिया है। I don't think so, but TSM entity इस टेम्पो को खोना चाहेगी। बिल्कुल, बट यहाँ पे फनाटिक ने जिस तरीके से स्टार्टिंग में दो प्लेयर खोए एंड जिस तरीके से वहां पे अर्ली दो प्लेयर गिराए गए, फिर बाद में जॉनथन का एक जो जगल देखने को मिला उस क्लोज एनकाउंटर में, दैट वाज समथिंग। बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है सारे प्लेयर्स को। काजी यहाँ पे फिनिश होते हैं, सामने वार एंटो नॉकडाउन होते हुए, बट पीछे से ट्रेड आया मैंटी ओपी वन साइडेडली दो प्लेयर को निकाला, बट वहां पे वार एंटो गॉट फिनिश बाय सोल मॉर्टल। किल स्टीलिंग यहाँ पे चल रही है, दलजीत ने यहाँ पे नॉकडाउन निकाला जो ट्रेड मैंटी ओपिनियन निकाले थे ओआर के, बट फिलहाल मैंटी ओपी को मिलेगा यहां पे रिवाइवल। यहां पे हमारा पावर हाउस का स्क्वाड हो चुका है एलिमिनेट, बट फिलहाल यहां पे ऑरेंज रॉक के वीरू भी प्ले जोन से एलिमिनेट हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा खतरा यहां पे प्ले जोन सबके लिए बनता हुआ बिकॉज ओपन जोन है एंड यहां पे कवर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो ग्रास का, ये ट्रीज और सिर्फ स्टोन का है। बट फिलहाल यहाँ पे कंपाउंड की बात करो, सोल के पास है वहां पे कंपाउंड जिसका वो कवर ले सकते, बट यहाँ पे ओपन में प्रोटोटाइप धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। टीम आईएनटी के ऊपर खतरे की घंटी बनती है, बट यहाँ पे हाइप को यहाँ पे राइट साइड से दिक्कत दे दी हुई आईएन इसके मशीन एंड कॉडल स्मोक की ओपी ने यहाँ पे नॉकडाउन कर दिया मैंटी ओपी को। ऑरेंज रॉक यहाँ पे एलिमिनेट होती हुई, सोल वाइपर गोइंग इन टू डोमिनेशन, यहाँ पे क्रेटोस का किल यहाँ पे उन्होंने कंफर्म करा, गॉर्डल का गिल, ये प्लेयर भी आता वापस से डोमिनेशन में। गॉर्डल कहीं नहीं जाने वाली आपको हर मैच में यहां पे टॉप थ्री में दिखे, बट यहां पे सोल मॉर्टल अपना किल यहां पे निकालते हुए, तीन किल निकाल चुके हैं मॉर्टल्स वाले मैच में। फोर स्टेट की बात करें, लूट की बात करें, किल्स की बात करें, किसी चीज की कमी नहीं इस वाले मैच में सोल के लिए। बिल्कुल सोल ओपी गेम प्ले के साथ है या ओपी गेम प्ले सोल के साथ है ये यहां पर देखना पड़ेगा। वाइपर वहां पर एक पिक्सल अगर उनको दिख जाता है सही तरीके से तो वो और किल्स अपने हाथ में लेना चाहेंगे। रिकल्ट स्नैक्स को डाउन कर चुके हैं एंड अमन ट्रांस को डाउन कर चुके हैं। टीम आईएनडी फिनिश होती है, सोल इज ऑन अ रैंप पेज ऑन अ रोल इफ दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। एज भी यहां पर फिनिश करेंगे, एक प्लेयर को अंदर जाना चाहेंगे सर्कल के, बट स्टिल वहां पर डैमेज काफी ज्यादा। ईवो अब आगे मूव करना चाहेंगे, एक प्लेयर को ऑलमोस्ट खो चुके हैं, सीजी भी काफी ज्यादा कम है इस पूरी की पूरी फाइट में, 33 गोलियां उनकी M4 के अंदर। रिगल टॉस मॉर्टल सबके सब प्लेयर्स यहां पर पूरे एरियाज पर फाइट लेने के लिए पूरे पूरे तैयार। मैंटियो भी सर्कल के काफी ज्यादा बाहर थे, अभी सर्कल के अंदर आ चुके हैं। बीएसजी के प्लेयर्स बिल्कुल इनके सामने, अभी के लिए टीम एक्स एलिमिनेट होती है। यहां पर बीएसजी के प्लेयर्स फाइट अपने हाथ में लेते हुए मॉर्टल, लेकिन एक और किल निकाल लेंगे अपने लिए। रिगल टॉस गॉर्डल की स्क्वाड को दिक्कत देते हैं और गॉर्डल की स्क्वाड यहां पर डाउन होती है। तीन टीम्स बचती है और उसमें सोल की स्क्वाड काफी अच्छे मैन एडवांटेज और किल एडवांटेज के साथ। बट अगर हम यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में किल्स निकाल सकते हैं सोल, रिकॉर्ड अभी का यहाँ पे किल कंफर्म करा है। यहाँ पे सिर्फ दो प्लेयर लेफ्ट साइड में बचे हैं, सोल यहाँ पे 12 किल के साथ इस वाले मैच में आगे बढ़ती हुई। रिकॉर्ड यहाँ पे एक और किल निकालते हुए अपने नाम, 13 किल। अब यहाँ पे सिर्फ दो टीमें बची है, 2-4 की सिचुएशन। सोल यहाँ पे एक बेहतरीन चिकन डिनर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे रिगल टॉस 5 किल के साथ रैम्पेज में आते हुए एंड उस एक सिंगल रॉक के पीछे पूरा वीएसजी क्रॉलर्स का स्क्वाड बैठा हुआ है। सिर्फ दो प्लेयर है, सीजी और ईवो है। अब देखते हैं किस तरीके से यहां पे सोल क्लोज डाउन करेगी इन रॉक्स के ऊपर, बिकॉज पहला चिकन डिनर सोल का आया था इसी मैदान पे इसी मैप में। बट फिलहाल यहां पे ईवो को नॉकडाउन कर दिया सोल अमन ने। अब इट इज ऑल अबाउट टू फिनिश द मैच, बट यहां पे सोल मॉर्टल नॉकडाउन होते हुए क्या किल अपना देंगे सामने। रिगल टॉस यहां पे धीरे धीरे क्लोज इन कर रहे हैं सीजी को, यहां पे जोन का डैमेज पड़ रहा है। बट फिलहाल यहां पे इट इज ऑल अबाउट वन बुलेट ओवर देयर, यहां पे नॉकडाउन निकाला उन्होंने, बट सोल अमन वापस से एक और किल निकाल के जाते हुए 14 किल्स चिकन डिनर। अब यहां पे कंफर्मेशन देखते हैं किस तरीके का फाइनल किल मिला है नहीं मिला उन्हें, बिकॉज 34 पॉइंट्स हमें वहां पे दिखे थे। सो 14 किल्स आखिरी मेरे ख्याल से जो किल था वो नहीं आया इनके पास, प्ले जोन से डाउन हो गए। बट स्टिल द डोमिनेशन, द डोमिनेशन दैट वाज नीडेड, द डोमिनेशन दैट वाज आउट हियर। इफ यू रिमेंबर फर्स्ट डे सेकंड मैच सैनॉक्स सोल चिकन डिनर विद सोल मॉडल के M24 में।